Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are good. First of all, guys, I am so sorry. Like from last 3 months, I know I'm not posting any videos or any vlog, and उस सब चीज़ के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ क्योंकि guys, I was busy or I was stuck in some, you know, something. But now everything is okay. मुझे भी काफ़ी बुरा लग रहा था फ्रॉम लास्ट 3 months, लाइक मैं एक वीडियो व्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि आई वॉज गोइंग वेरी वेल, मतलब मैं सही राह पे चल रहा था और मेरा प्लान था कि आने वाले 6 महीने के अंदर मैं अच्छे अच्छे व्लॉग देके अपने चैनल को ग्रो कर लूँगा. बट यू नो, लाइफ में कई ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ पे हम स्टक हो जाते हैं, एंड मैं उसी जगह पे था जहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टक हो गया था. वैसे मैं थोड़ा व्लॉग करना ना भूल भी गया हूँ, पता नहीं मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, बट जो भी बोल रहा हूँ आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा. ठीक है, तो फिलहाल गाइज अभी ना 6 बजे हो गए. देखो मैं हमेशा की तरह ऐसे देखता हूँ, तो आज भी मैं मेरी आदत नहीं बदली है, तो अभी लगभग 6:30 के आसपास का टाइम हो रहा है और आप मेरी शक्ल देख सकते हैं. मुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है, क्योंकि गाइस मैं ना नैनीताल पे नहीं हूँ, मैं हूँ दिल्ली पे. अभी 6 बज रहा है, 6:30 के आसपास का टाइम है और मैं अभी जिम जा रहा हूँ. मतलब मैंने यहाँ पे भी जिम ज्वाइन कर लिया है, लेकिन जिम जाने से पहले गाइस मैं ना, आप देख सकते हैं, मैं खाने वाला हूँ स्प्राउट्स. तो गाइस मैं ना पिछले कुछ दिनों से ना ये ट्राई कर रहा हूँ, जैसे मेरा बेड बहुत मैच्ड अप हो गया है तो इसको इग्नोर करना, क्योंकि ना सुबह से ना भाई काम इतना था कि यार क्या ही बताएं. फिलहाल देखिए मैं ना स्प्राउट्स खाता हूँ और जिम जाने से पहले, और मैं पिछले 1 हफ्ते से या 1.5 हफ्ते से इसको ट्राई कर रहा हूँ, और मैं जो एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ ना वहाँ पे जिम पे, आई कांट टेल यू, सीरियसली बहुत मज़ा आता है ये खा के. फिर जिम करने में अच्छी एक प्रोटीन मिल जाता है, अच्छी ताकत मिल जाती है, तो आप भी ये ट्राई करना अगर आप जिम जाते हैं, और नहीं जाते हैं तब भी इसको खाना, ताकत मिलेगी. ठीक है, तो अभी हम अपना जो प्लान है, अभी हम जाएंगे जिम, जिम में जाएंगे थोड़ा वर्कआउट करेंगे, उसके बाद भाई यहाँ इतनी गर्मी है ना यार, मतलब भाई दिन में निकलने में तो हालत ख़राब हो जाती है गाइस. मैं कितनी मुश्किल से, मतलब मैं जब भी बाहर जाता हूँ ना, मेरे को बिल्कुल मन नहीं होता दिन में जाने का, बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, मुझे कुछ सामान होता है जो चाहिए होता है अर्जेंट में, इमरजेंसी में, तो मेरे को जाना पड़ता है, और जब मैं जाता हूँ ना तो मैं सीरियसली मतलब ऐसी हालत हो जाती है, आई कांट टेल यू. सो अभी शाम का समय है, थोड़ा मौसम ठीक हो गया है, मतलब ठीक क्या होता है, थोड़ा सा जाने लायक हो गया, तो अभी हम जिम जाएंगे, वर्कआउट करेंगे, वर्कआउट के बाद फिर आगे जो होगा वो आप देखते रहना, मज़ा आने वाला है. 2.0 हर्षित लोशाली 2.0 लिख के ले लीजिए, इस बार जो है ना ब्लॉग धांसू बनाएंगे. ठीक है, चलो फिर ये खाते हैं और उसके बाद वर्कआउट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं. बाय. गाइस आदत नहीं रही ना मेरे को ब्लॉगिंग की, तो मैं एकदम भूल भी गया था कि यार मैं ब्लॉग भी कर रहा हूँ. तो मैं रूम से निकला तो मैं वही ब्लॉग करना ही भूल गया. अभी मुझे थोड़ी देर में याद आया, मैंने कहा अरे ब्लॉग चल रहा था यार. थोड़ा अंधेरा हो रहा है तो मेरा चेहरा सही से नहीं आएगा, और दोबारा मुझे वो कॉन्फिडेंट लाना है अपने अंदर जैसे मैं पहले ब्लॉग किया करता था. बट कोई नहीं, इट्स ओके, टाइम के साथ वो भी वापस आ जाएगा. तो अभी चलते हैं, बस पहुंचने वाला जिम, वर्कआउट करते हैं, थोड़ा सा वर्कआउट का आपको व्लॉग दिखाऊंगा, और फिर उसके बाद आपसे मिलूंगा और बातचीत करूंगा. बाय. A few moments later. हर समय यहाँ लाइट जाते रहती है, जब देखो. चल ठीक है, ओके. अभी भी अंधेरा ही हो रहा है. देखो देखो, कम से कम कुछ तो दिख रहा है, ये बंदा भी दिख रहा है, मैं भी दिख रहा हूँ. कितनी देर से नहीं आई लाइट भाई? रूम में थी क्या? एक घंटे पहले से. वैसे मेरा वर्कआउट खत्म हो चुका है, काफ़ी हैवी वर्कआउट हुआ, और काफ़ी मतलब बोलते हैं ना गर्मी लग रही है. गाड़ी आ रही है सही से. तो अभी जो है प्रोटीन शेक वगैरह पीते हैं और घर चलते हैं, क्योंकि अंधेरा हो रहा है, यहाँ पे कुछ बात करने के लिए नहीं है, और घर जाके मिलते हैं आपसे. बाय. आइसक्रीम खाएगा? आइसक्रीम खिलाओगे जिम के बाद? तो आइसक्रीम खाएगा भाई, तुम खिलाओगे तो खा ही लूंगा शायद. कोई है नहीं यहाँ पे? ओ माय गॉड, कोई है नहीं. अरे आगे भैया. नहीं भाई, जिम कर रखा तो नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के बाद नहीं खाते. ये खा ले गुटखा, खा ले गुटखा. नहीं तो भाई ये खा, देखिए फ्रूट्स वगैरह खा, कुछ भी ले ले इसमें से भाई, कुछ भी ले ले, तू पेमेंट कर दे और तू खा आराम से. बता भाई, अच्छी चीज़ तो खानी रहा है, आइसक्रीम खानी तेरे को जिम के बाद. शादी हो रही है, शादी सोच रहे हैं कि शादी में खाना खाने चले जाते हैं यार, है ना, थकान लगी हुई है,
तो वहाँ पे बहुत टेस्टी टेस्टी खाना मिलेगा, जाएंगे खाना वाना खा लेते हैं। क्यों भाई, क्या सोच रहा है? यार जिम करके ऐसी बातें करते हो भाई, तो क्या हुआ भाई, खाना जिम करके खाना नहीं खाते भाई क्या? कैसा खाना बनता होगा उसमें सोचो। कोई नहीं यार, कभी कभी चलते हैं। वैसे मेरे को कमेंट बताना आप लोगों ने भी ऐसा किया है नहीं किया है। सो गाइस छाछ उठा लिया हमने, खाना खाने के साथ छाछ पियेंगे आज। सो गाइस देख सकते हैं खाने में बना हुआ है, यह है बैगन का भरता, और क्या बना हुआ है, यह रोटी, ओके, और ये क्या है, सुबह की सब्जी बची हुई है। तो गाइस अब खाना खाने का समय हो चुका है, डिनर करने का, क्योंकि बहुत तेज भूख लगी हुई है। और मैंने आपको दिखाया ना कि अभी जो है बैगन का भरता बना हुआ है। भाई बंद कर दे गाना बंद कर दे, वरना मैं तेरे को दिखा दूंगा कैमरे में और तेरी क्या हालत हो रही है वो सबके सब देख लेंगे, इसलिए गाना बंद कर दो आराम से। तो अभी जो है नहीं दिखा रहा हूँ, टेंशन मत ले, टेंशन मत ले। तो डिनर करते हैं, डिनर करने के बाद मुझे बाहर जाना है, मतलब कुछ सामान लेने जाना है, तो जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, दुकानें बंद हो जाएंगी, तो उससे पहले मेरे को जाना होगा। तो पहले खाना खाते हैं, उसके बाद बाहर चलते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। तो गाइस अभी जो है लगभग जो है 12 बजने वाले हैं, तो मैंने आपको कहा था ना कि जल्दी से डिनर करते हैं और फिर मुझे मार्केट में जाता, तब दुकान की तरफ जाना है कुछ सामान लेने, बट दुकान जो है सारी बंद हो चुकी है, हमें लेट हो गया है, खाना खाने में लेट हो गया, उसके बाद थोड़ी देर बैठ गए, थकान लगी हुई थी तो आलस सा आ रहा था, और जैसे बाहर निकला तो देखा यार दुकान तो सारी बंद हो गई है। बट अभी मैं जा रहा हूँ एटीएम पैसे से निकालने हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत काम है, तो अभी एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं, और साथ में इसको लेके जा रहा हूँ मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी गार्ड तो हमारा जो है अभी पैसे निकालते हैं, और अब लगभग 12 बज गए, अब कुछ हैपिंग दिखाने के लिए, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और बाकी गाइस अगला व्लॉग आएगा और अच्छे अच्छे से कंटेंट आएंगे, तो बने रहना, और पसंद आई वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।